Good morning, students. Today we will discuss about the unit number 5, planning in sports. तो हमने पिछली जो क्लास में हमने पढ़ा था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक था उसका नाम था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लेना। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस कमिटीज इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तो जो हम कोई भी अगर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं तो उसके अंदर हमारे जो कई सारी कमिटीज बनाई जाती है, कमिटीज बनाते हैं उसके अंदर उनको अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, कार्य दी जाते हैं जिससे वो अलग अलग कार्य कर सके। तो ये कॉम्पिटिशन के पहले और कॉम्पिटिशन के समय और कॉम्पिटिशन के बाद में तीन तरह के कार्य ये करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो कमिटीज कौन कौन सी होती है, कमिटीज हमारे पास जो है 12 कमिटीज हमने यहाँ लिखी है। तो इसके अंदर अगर कमिटीज का क्वेश्चन आता है तो हमें 5 से ज्यादा तो हमें डिस्कस करना ही होगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता है तो पूरा एक क्वेश्चन बनेगा कमिटीज का। तो पहली जो कमिटीज है पब्लिसिटी कमिटीज, सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन कमिटीज, थर्ड है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटीज, फोर्थ है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटीज, ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमिटीज, रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमिटीज एंड रिसेप्शन कमिटीज, एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स कमिटीज, ऑफिशियल्स कमिटीज, अनाउंसमेंट कमिटीज, फर्स्ट एड कमिटीज, फाइनेंस कमिटीज। तो ये इस तरह की सिंपल जो कमिटीज है आपको सबको ये याद होनी चाहिए, और इन हो सके तो 12 ही कमिटीज हमें उसके अंदर एक्सप्लेन करना चाहिए और उनको अच्छे से समझाना चाहिए। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे कमिटीज के बारे में। तो हम कमिटीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेरियस कमिटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रैक एंड फील्ड मीट्स एंड स्पोर्ट्स। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं ट्रैक एंड फील्ड का, अगर हमें कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाना है तो हम कितनी कमिटीज हम बना सकते हैं, क्या कौन कौन इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो सबसे ऊपर जो रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, जो ऑर्गेनाइजिंग जो करवाने वाला जिसको देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। इसके बाद एग्जीक्यूटिव कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमिटी के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसके बाद जो हमारी जो अलग अलग कमिटीज है वो हमने पहले अभी बताई थी, पब्लिसिटी कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी एंड फाइनेंस कमेटी। हम इसको चार्ट के द्वारा भी हम इसको समझा सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो हम ये चार्ट भी हम बना सकते हैं। तो अब इसके बारे में हम अलग अलग कमिटीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है पब्लिसिटी कमिटी। पब्लिसिटी कमिटी क्या होता है, द कमिटी फॉर पब्लिसिटी अनाउंसेस द डेट। जो कोई भी कॉम्पिटिशन हम ऑर्गेनाइजेशन करवा रहे हैं तो उसकी डेट को कौन अनाउंस करेगा, तो वो पब्लिसिटी कमिटीज करती है। वेन्यू एंड स्पोर्ट्स इवेंट प्रोवाइड्स एडवांस इंफॉर्मेशन टू द इंस्टीट्यूशंस, अंडरटेक्स प्रिंटिंग एटसेट्रा। इट्स मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एडवर्टाइज स्पोर्ट्स इवेंट। जो पहला जो सबसे पहला जो काम रहता है कि हमें कौन सी डेट को, कौन सी जगह पर, कौन सी इवेंट कब कब हमें वो ऑर्गेनाइजेशन करवानी है, तो ये काम जो पब्लिसिटी कमिटी होती है वो इंफॉर्मेशन देती है इंस्टीट्यूट्स को या अलग अलग जहाँ पर जो भागीदार जो उसके अंदर पार्ट लेना चाहते हैं या फिर आसपास जहाँ भी कोई इसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं, तो उस जगह पर ये पब्लिसिटी कमिटी काम करती है। तो इनका काम है जो इंफॉर्मेशन देना है कि कौन सी डेट को, कौन सी जगह पर, कौन सी इवेंट कब होगी।
इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन कमिटी। ट्रांसपोर्ट का आपने नाम तो सुना ही होगा, जैसे किसी इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, रेफरीज आते हैं, तो उनको एक जगह से अपने जहां उनके रहने की व्यवस्था है वहां उनको ले जाया जाता है। तो हम बस के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, हम जिससे भी हम उनको ले जाना होता है वो हम पहले से डिसाइड करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कमिटी क्या काम करती है? दिस कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टीम्स टू द वेन्यू ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट और टू द प्लेस ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग एज द केस में बी। इट्स मेन ड्यूटी इज टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसका जो मेन जो काम है ट्रांसपोर्टेशन का है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं उनको वहां से स्पोर्ट्स इवेंट जहां पर ऑर्गेनाइजिंग हो रही है वहां पर ले जाते हैं, वहां से जहां उनके रहने की खाने की व्यवस्था है उनको वहां ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था वो करवाते हैं। तो ये सारा काम जो है ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्ट कमिटी करती है। इसके बाद थर्ड आता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटीज। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन एंड सर्विंग मेल्स टू द स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑफिशियल्स। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी का काम क्या है? जैसे जो भी कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं या ऑफिशियल्स आते हैं तो उनको रहने की व्यवस्था और उनके रहने की व्यवस्था को देखना, उनके खाने की व्यवस्था को देखना, तो ये सारा काम जो कौन करते हैं? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी करती है। नेक्स्ट आता है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। डेकोरेशन कमेटी, द डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स एरिना एंड स्टेडियम। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, विक्ट्री सेरेमनी and closing ceremony of the games and sports meet. This committee also makes arrangements for trophies, medals and certificates. तो decoration committee का आपने नाम सुना ही है, decoration करना, उनको सजावट करना है। तो ये किस किस समय काम आता है? जैसे starting opening ceremony होती है, opening ceremony के अंदर उनको क्या क्या tent लगाने हैं, tent के अंदर क्या क्या उनको banner लगाने हैं, वो सारा काम ये decoration committee देखती है। इसके बाद जब विक्ट्री सेरेमनी होती है और क्लोजिंग सेरेमनी, लास्ट में जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है उसके अंदर भी ये डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटीज काम आती है। इसके अंदर सेरेमनीज का ये है कि इनको ट्रॉफीज, कौन कौन सी ट्रॉफीज किस किस को देनी है, ये ट्रॉफीज का अरेंजमेंट और मेडल्स का अरेंजमेंट, सर्टिफिकेट्स का अरेंजमेंट जो है सेरेमनी कमिटीज करती है। तो नेक्स्ट है फिफ्थ, ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमिटी। Grounds and Equipments Committee. This committee is responsible for preparing the grounds and laying out the track and field. It also makes necessary arrangements of equipment related to the games and athletes meets. This committee is also responsible for providing equipment according to specification. तो grounds and equipments का क्या काम है? जो grounds है उनको तैयार करना, जो ट्रैक एंड फील्ड, अगर ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट है तो ट्रैक एंड फील्ड को उसकी मार्किंग करनी है, उसको जो पत्थर वत्थर उनको सही, ग्राउंड को सही लेवल करना है, और इसके अलावा भी इक्विपमेंट्स जो वहां पर अवेलेबल करवाने हैं। तो ये सारा जो काम है ग्राउंड्स का और इक्विपमेंट्स का काम जो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी करती है। नेक्स्ट है सिक्स, कमिटीज फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। This committee takes charge of supplying refreshment and drinks to guests, officials, competitors, etc. It also makes some arrangements for entertainment programs during the opening ceremony and closing ceremony of the sports event. Refreshment जो होता है जैसे नाश्ता और ये starting जब करवाते हैं opening ceremony और जब closing ceremony के अंदर जो नाश्ता और एंटरटेनमेंट का जो पार्ट होता है वो ओपनिंग में और क्लोजिंग में काम में आता है। तो यह गेस्ट जो आते हैं, बाहर से गेस्ट आते हैं उनको रिफ्रेशमेंट पहुंचाना, ऑफिशियल्स को पहुंचाना, कॉम्पिटिटर जो आते हैं उनको रिफ्रेशमेंट पहुंचाना, ये सारा काम जो है रिफ्रेशमेंट और
जो कमेटी होती है उनको करना होता है। नेक्स्ट है रिसेप्शन कमेटी। द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ दिस कमेटी टू वेलकम अदर गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। रिसेप्शन कमेटी जो जब स्टार्टिंग में जब ओपनिंग सेरेमनी होती है या क्लोजिंग सेरेमनी होती है तो बाहर से जो गेस्ट आते हैं तो रिसेप्शन पे उनको वेलकम करने के लिए रिसेप्शन जो गेट के वहाँ पे बनाया जाता है रिसेप्शन, तो उनको वेलकम करने के लिए जो वहाँ कमिटीज बनाती है तो वो काम रिसेप्शन में वेलकम करने का जो है वो रिसेप्शन कमेटी करती है। नेक्स्ट आता है कमिटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम। दिस कमिटी सेंड एंट्रीज फॉर्म्स टू द वेरियस इंस्टीट्यूशंस अर्ली एंड रिसीव्स देम ऑन टाइम, अलॉट्स नंबर टू द कॉम्पिटिटर एंड अरेंज द सीट्स फॉर गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग गेम्स। इट आल्सो प्रिपेयर्स फीचर्स ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। इट प्रिपेयर्स द कम्प्लीट प्रोग्राम रिलेटेड टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट एंड गेट्स इट प्रिंटेड। इन फैक्ट दिस कमिटीज प्रिपेयर सेमिनार एंड सर्कुलेट्स देम अमंग गेस्ट मैनेजर्स ऑफ द टीम एंड ऑफिशियल्स। तो एंट्रीज कमिटीज जो इनका क्या काम होता है, जब ये पहले से इनको काम करना पड़ता है अगर कोई भी एंट्रीज करवानी है तो हम जो ऑनलाइन अगर फॉर्म डालते हैं कि आप ये सब ऑनलाइन कीजिए और जो लास्ट डेट होती है उनसे पहले पहले ये सारे फॉर्म्स ऑनलाइन कलेक्ट कर लेते हैं। एंट्रीज जो पार्टिसिपेशन करने वाले होते हैं उनकी सभी की एंट्रीज ये कर लेते हैं। तो ये इनको एंट्रीज करने के बाद ये जो प्रोग्राम बनाते हैं कि कौन सा इवेंट्स कब कब होगा ये सारा काम जो है एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी वाले करते हैं। कमिटीज फॉर ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स की जो कमिटीज होती है जो जज होते हैं, रिकॉर्डर होते हैं, क्लर्क होते हैं, जो उनके अंदर ग्राउंड्स के अंदर रेफरीज होते हैं या ग्राउंड्स के अंदर और टाइम कीपर्स होते हैं, एम्पायर्स होते हैं और जज कई प्रकार के जो इसके अंदर ऑफिशियल्स होते हैं वो सारा जो है ऑफिशियल्स कमेटी बनाई जाती है जो ऑफिशियल्स वो कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 10th है अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी जो होती है वो कंपटीशन के ड्यूरिंग कंपटीशन वो अनाउंसमेंट करती रहती है कि आपका अगला इवेंट ये है और ये इवेंट चल रहा है, इसमें ये पार्टिसिपेंट्स है, ये कृपया तैयार रहें। इस तरह की ये अनाउंसमेंट जो करते हैं ये अनाउंसमेंट कमेटी का कार्य रहता है और क्लोजिंग के समय और ओपनिंग के समय ये इंफॉर्मेशन इनको देते रहते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड का नाम सुना ही है, जब किसी कॉम्पिटिटर या किसी को भी इंजरीज हो जाती है ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन या उसके पहले या बाद में जब भी ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन अगर कोई भी किसी को भी इंजरी हो जाती है तो फर्स्ट एड का कार्य रहता है कि उसको वो अरेंज करवाए जो भी मेडिकल किट है उनको जहाँ तक हो सकता है फर्स्ट एड किट उनको अरेंज करवाते हैं और उनको हॉस्पिटल तक अगर ले जाने का कार्य रहता है तो फर्स्ट एड कमेटी करती है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का कार्य क्या है, जब जो कोई भी अगर इवेंट के अंदर ये कोई भी पेमेंट जमा कराता है, पैसे जमा कराता है तो वो फाइनेंस कमेटी उनको इकट्ठा करती है। तो ये हमारी जो कमिटीज है वो कमिटीज कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमिटीज। जो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है टूर्नामेंट से पहले, ड्यूरिंग और बाद में वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज पहले है टूर्नामेंट से पहले वो हम पढ़ेंगे। टू प्रिपेयर द बजट ऑफ द टूर्नामेंट स्पोर्ट्स इवेंट विद द अथॉरिटी, बिकॉज विदाउट सफिशियंट बजट इट मे बी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट इन ए स्प्लेंडेड एंड सिस्टमेटिक वे।
तो जो पहले जो सबसे पहला कार्य रहता है, तो इनका जो टूर्नामेंट में कितना क्या खर्चा आएगा, क्या बजट रहेगा, उसका ये कैलकुलेशन करते हैं और ये उसको फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड है टू प्रिपेयर द शेड्यूल और प्रोग्राम ऑफ द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, डेट एंड वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट। पहले से प्रिपेयर करते हैं प्रोग्राम को, उसके डेट फिक्स करते हैं और स्थान फिक्स करते हैं, कौन से स्थान पर ये कब होगा। इसके बाद है टू प्रिपेयर स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्पोर्ट्स ट्रैक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विच आर इसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। तो पहले उनको जो ट्रैक है, ट्रैक को उनको, ग्राउंड को उनको कंप्लीट करना होता है, तो ये भी पहले से कार्य होता है टूर्नामेंट से पहले कि उनको सभी तरह के ग्राउंड्स तैयार रखें, इक्विपमेंट्स तैयार रखें, ये पहले से कार्य होता है टूर्नामेंट से पहले। फॉर द नेक्स्ट है टू फॉर्म द वेरियस कमिटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। अब नेक्स्ट कार्य क्या रहता है, अलग अलग जो हमें अभी कमिटीज पड़ी है वो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन इस किस किस कमिटी के अंदर रहेगा, तो हम वो कमिटीज बनाते हैं जिससे कि हमारा जो टूर्नामेंट है वो आसानी से हो सके। नेक्स्ट आता है टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस टीम्स अबाउट डेट्स एंड वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट्स। जो इंफॉर्मेशन है वेरियस, जो इंफॉर्मेशन है डेट एंड वेन्यू की, वो सभी टीमों के पास पहुंचाने का कार्य है, वो पहले टूर्नामेंट से पहले हो जाता है। नेक्स्ट है टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट रिगार्डिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑफिशियल। जो ऑफिशियल्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका रहने खाने का जो अरेंजमेंट है वो भी पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पर होगा, ये टीमें यहाँ पे रुकेगी, तो ये कार्य भी पहले हो जाता है। नेक्स्ट है टू अरेंज प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट्स फॉर विनर्स। विनर्स के लिए जो प्राइजेज है, मेडल्स है और सर्टिफिकेट्स है, वो पहले से हम अरेंज करते हैं। टू सेंड द एंट्रीज फॉर्म टू द वेरियस इंस्टीट्यूट अर्ली एंड रिसीव देम ऑन टाइम फॉर टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फिक्चर्स। तो जो भी हम एंट्रीज फॉर्म है वो हम पहले से ऑनलाइन उनको सेंड कर देते हैं कि आप इसके अंदर ऑनलाइन या ये फॉर्म भर के आप यहाँ इतनी तारीख तक कंप्लीट पहुँचाना है, तो वो कार्य भी है वो कंपटीशन से पहले होता है। तो हमने ये पहले पढ़ा है कंपटीशन से पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पढ़ेंगे हम कंपटीशन के समय क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो इसमें पहला है टू इंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग इनोग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। जो इनोग्रेशन हम करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसको हम प्रॉपर अच्छी तरह से अरेंजमेंट करना है, तो वो उसी समय होता है उद्घाटन का। टू चेक दैट द स्पोर्ट्स ग्राउंड फील्ड कोर्ट्स एंड रिलेटेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर इन ऑर्डर। सभी प्रकार के जो ग्राउंड्स है, सभी इक्विपमेंट्स है, उनको हम चेक कर लेते हैं कि ये सभी ऑर्डर में है, सही है या नहीं। जो पिछले वाले जो कमेटी है, ग्राउंड कमेटी, उन्होंने सही काम किया या नहीं किया है, वो हम इसको देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं, उस समय भी हम इसको चेक कर सकते हैं। थर्ड है टू इंश्योर दैट द स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज पर शेड्यूल। इस शेड्यूल के अंदर हम उन टूर्नामेंट्स को, इवेंट्स को हमें प्रारंभ करना है और उसको आगे चलाना है, ये भी कंपटीशन के समय होता है। टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट टू प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स के लिए रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम, जो नाश्ता कर इनका है, प्लेयर्स तक, ऑफिशियल्स तक पहुंचाना रहता है, वो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स होता है। नेक्स्ट है टू मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट। जो टूर्नामेंट का जो कार्य चलता रहता है उसको अनाउंसमेंट जो करते हैं वो उसी समय ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन होता है, तो ये भी हम उसी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट है टू इम्पार्ट फर्स्ट एड टू द इंजर्ड एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन। कोई भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो जाता है तो भी उनको फर्स्ट एड जो कमिटीज रहती है तो वो उसी समय उनको टेकल करती है, तो ये भी ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन होता है। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के लिए हम जो स्कोर शीट बनाते हैं
जो टाइमिंग हम उनका नोट करते हैं तो वो भी हम उसी समय ग्राउंड या ड्यूरिंग द कंपटीशन हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एंड अपडेट इंफॉर्मेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। जो भी हम इंफॉर्मेशन होती है जो टूर्नामेंट्स की, वो हम मीडिया तक इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनको पहुंचाते हैं। ये भी उसी समय ड्यूरिंग द कंपटीशन होता है। नेक्स्ट टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हम उसी समय ड्यूरिंग द कंपटीशन करते हैं। अब जो है नेक्स्ट है कंपटीशन के बाद में हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो इसमें पहला है टू गिव अवे द प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट्स टू द विनर। जो विनर रहते हैं उनको प्राइजेज और सर्टिफिकेट्स देना वो कॉम्पिटिशन के बाद में होता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड डिटेल्ड रिजल्ट एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मीडिया। मीडिया को जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिजल्ट के बारे में और कोई भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो हम मीडिया को लास्ट में दे देते हैं। तो नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स टू द डिपार्टिंग टीम। जो भी वहाँ से टीम रवाना होने वाली है, जो जाने वाली होती है, अगर उसकी सिक्योरिटी मनी इकट्ठी की है तो उनको वापस सिक्योरिटी मनी वापस प्रोवाइड करवाते हैं। ये भी कंपटीशन के बाद में होता है। तो नेक्स्ट है टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स, टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फाइल्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। जो भी टूर्नामेंट के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स थे, जो भी स्कोर शीट थी, उन सभी को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उनको सिक्योर रखते हैं, सिक्योर करते हैं। तो ये भी कंपटीशन के बाद में होता है। नेक्स्ट है टू मेक द पेमेंट्स टू द ऑफिशियल्स एंड अदर कंसर्न पर्सन। जो भी हमने जैसे कि कोई भी उसके अंदर खर्चा किया है, जिसका भी पेमेंट है, वो हम पेमेंट लास्ट में उनको ऑफिशियल्स को या और अदर जो टेंट वाले हैं उनको अलग, उनका जो भी उनका पेमेंट है वो हम उनको लास्ट में पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द टूर्नामेंट। जो टूर्नामेंट में जो भी खर्चा हुआ है वो हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, वो हम टूर्नामेंट के लास्ट में हम बनाते हैं। लास्ट है टू प्रेजेंट मेमोंटोस टू द चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर एटसेट्रा। तो जो भी हम मेमोंटोस उनको देते हैं जब जाते हैं, वो गेस्ट चीफ गेस्ट होते हैं या और कोई गेस्ट होते हैं, तो हम जो भी मेमोंटोस देना चाहते हैं वो हम लास्ट में इनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट है, जिसका सेकंड पॉइंट है कमिटीज एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करना है और फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे भेजना है। थैंक यू।